हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट में। ये है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गाइडलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF। ये जो है, जो कुछ भी मैंने लिखा है, ये गाइडलाइन समझिए, गाइडिंग प्रिंसिपल समझिए, ठीक है। मैंने इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। ये हमें NCF ने दिया हुआ है। ये 5 पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि बताइए कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो NCF द्वारा दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वही पॉइंट्स आज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स में। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स NCF के द्वारा जो दिए गए हैं वो क्या है। तो पहला है कि विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यानी कि जो कुछ भी हम अपने क्लास में सिखाते हैं, सिर्फ जो बुक में दिया हुआ है, जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, वो बाहर के जीवन से, यानी कि आउट ऑफ द स्कूल जो कुछ भी चीजें हो रही हैं उसके साथ रिलेट करके उनके जीवन से, उनके लाइफ से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये पहली गाइडलाइन है NCF के द्वारा। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहा है, यानी कि जो कुछ भी हम लोग सिखा रहे हैं वो बच्चा रट नहीं रहा है बल्कि समझ रहा है जो कुछ भी हम उसको बता रहे हैं। सपोज करिए कि अगर हमने उसको मल्टीप्लाई सिखाया 2 × 5 = 10, तो उसको ये मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, वो उसको रटना नहीं है कि कैसे 10 हो गया तो वो 5 × 2 = 10 रट लिया है, ऐसा उसको नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस टॉपिक को वो रटे ना बल्कि उसको समझे। कोई भी टॉपिक हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसको रटे ना बल्कि उसके थ्रू अपने नॉलेज को और ज्यादा एक्सटेंड करे, और ज्यादा उसको बढ़ाए, और उसमें कुछ अपने पॉइंट्स को भी ऐड कर सके। बच्चों को हमें ऐसे पढ़ाना है, ना कि उनको कोई चीज बता देनी है और वो रट लें, ऐसा उन्हें नहीं बताना है, ठीक है। और ना ही उनको ऐसा करने देना, सपोज करिए आप नाउन एडजेक्टिव कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो वो उसको रटे ना बल्कि उनको समझे, ऐसा हमारा NCF गाइडलाइन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना, यानी कि जो कुछ भी करिकुलम है हमारा, जो कुछ भी लेसन है, जो कुछ भी है, उसको हम लोग बच्चों को इस तरीके से बताएं, इस तरीके से समझाएं कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो हर एक चीज को हर एक अच्छे तरीके से समझ सके। ये नहीं कि मैथ का तो सिर्फ वो मैथ में ही लॉजिक लगा सके, उस मैथ की लॉजिक वो हर जगह लगा सके, अपनी लाइफ में भी उसका यूज कर सके। हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ उन्हें स्वीकृत करना, यानी कि जो कुछ भी हम लोग एग्जाम्स ले रहे हैं उसको अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, उनको हमको फ्लेक्सिबल बनाए रखना है, उसको एकदम कठोर नहीं बना देना है कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं एकदम सिर्फ उसी तरीके से होना चाहिए, और उनको उनकी लाइफ के साथ जोड़ना ही है। यही हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये हमको यही बताता है, ये हमको यही गाइडलाइन देता है, इसके यही गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हम जो कुछ भी उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, वो हर एक जगह अपनी उन चीजों को इस्तेमाल कर सके, उसका यूज कर सके, सर्वांगीण विकास में बच्चों का करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अतिव्यापी पहचान का पोषण करना, यानी कि बच्चा जो हमारा है उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप हमें करना ही है। हमें बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से समझाना है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, एक इंडिविजुअलिटी जो है उसकी, वो अपने आप को दिखा सके पूरे समाज में, पूरे डेमोक्रेटिक हमारा जो समाज है उसमें अपने आप की एक पहचान बना सके। हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, यही हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये मैंने 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए और 5 प्रिंसिपल्स ही दिए गए हैं NCF के द्वारा, और ये प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाते हैं, और इसके मेन पॉइंट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मोस्टली 3 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि NCF द्वारा कितने प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो आप तो बता देंगे कि 5, और उसमें कि 2-3 बोलेंगे कि आप बता सकते हैं तो बताइए, तो आपको ये प्रिंसिपल्स जरूर बता देने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।